यार दोस्तों कैसे हैं आप आई हो आप सभी अच्छे होंगे जो लोग नए हैं चैनल में उन लोगों को बता दो कि मेरा टारगेट पाँच करोड़ का मना है म्यूचुअल फंड से इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं मंथली लम एस आई और कभी कभी लमसम करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में मेरा पोर्टफोलियो का छः महीने कंप्लीट होने को आएगा और मैं दो से ढाई साल से रि रिसर्च कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मेरा टाइम पंद्रह से बीस साल तक है और मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहा हूँ मेरे पास दो म्यूचुअल फंड फंड का पोर्टफोलियो है एक मेरे नाम पे दूसरा मेरे मदर के नाम पे दोनों ही पोर्टफोलियो में एवरीडे शेयर करता हूँ अपने चैट चैनल पे तो अगर आप लोग भी इन्वेस्टिंग करते हो या फिर शुरू करना चाहते हो तो मेरा वीडियोस देख सकते हैं और लाइक और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं रिव्यू के लिए तो कर दीजिए मैं हंड्रेड परसेंट रिव्यू कर दूंगा तो पोर्टफोलियो अपडेट दे, दे, देने से पहले आ, कुछ कमेंट ले लेते हैं आज का सुमित जी बोल रहे हैं विच ऐप डू यू यूज फॉर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए मैं ग्रो यूज करता हूँ जैसे लिखा हुआ यहाँ पर और जब मैं म्यूचुअल फंड का रिव्यू करता हूँ तो डेटा के लिए मैं वैल्यू रिसर्च यूज करता हूँ दिनेश जी बोल जय माता दी तो ये है एक पोर्टफोलियो रिव्यू जो आएगा इसी हफ्ते दिनेश जी जय माता दी तो यहाँ पे दिनेश जी बोल रहे हैं सर मान लीजिए पंद्रह हजार की एस आई पी में टेन परसेंट स्टेप अप करते हैं और फोर इयर्स बाद मैं स्टेप अप को कैंसिल करता हूं तो हमारी एस आई पी अमाउंट फिर से कितने की कंटिन्यू चलती रहेगी जहां पर एंड हो हुआ है अप, आपका एस आई पी जो टेन परसेंट अप के बाद मान लीजिए चार साल के बाद जितना भी एंड हुआ है वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा लेकिन फ्रेंकली मैं एस आई पी ऑटो स्टेपअप एस आई पी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको करना है कि खुद से इंक्रीज कीजिए पैसा मैनुअली या फिर खुद से रिड्यूस कीजिए तो हम लोग के पास एक कंट्रोल रहता है तो मान लीजिए हम लोग टेन परसेंट स्टेबल करके भूल गए पूरा चार साल बाद पाँच साल बाद कितना किए थे अब कितना अमाउंट हो चुका है भूल गए तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है तो खुद से कीजिए मैनुअली कीजिए तो अच्छा रहेगा शिवम बोल रहे हैं थैंक यू फॉर पोर्टफोलियो रिव्यू किया था एंड ऑफरिंग यू लास्टली बेस्ड ऑन एडवाइस अदर स्मॉल कैप ऑप्शन शो शुड आई इनके पास एक लो स्मॉल कैप ऑलरेडी है तो ये जानना चाहते हैं कि कौन से हाई रिस्क स्मॉल कप लेना चाहिए इनको क्वांट और निपोन कंसिडरिंग माई एज प्लीज चूज वन तो ये मैं इनको सजेस्ट किया क्वांट लेने के लिए क्योंकि निपोन का जो एव एम साइज काफी बढ़ चुका है और क्वांट का परफॉर्मेंस रिसेंटली काफी अच्छा टॉप वन टू थ्री में आ रहा है लगातार बहुत सालों से तो क्वांट ले सकते हैं आप नीचे चलते ऊपर चलते हैं तो वाइट मिश्र जी बोल रहे हैं ये बंगाली में लिखे ये बोल रहे हैं कि लगे रहो भाई आ, भगवान के पास कामना करते हैं कि तुम तुम सक्सेस पा लो और पोर्टफोलियो में पॉसिबल हुआ तो क्वांट वैल्यू और क्वांट मोमेंटम फंड फंड ऐड करने के लिए तो थैंक यू फॉर योर कमेंट तो मैं मेरे पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी तीन क्वांट का फंड है तो क्वांट क्वांट स्मॉल मिड कैप क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैं क्वांट एएमसी का और ज्यादा फंड ऐड नहीं कर सकता लेकिन फिर भी थैंक यू फॉर फॉर फीडबैक श्रीधर कुलकर्णी बोल रहे हैं कि रिवार्ड मैं कंपेयर किया था एसबीआई लिक्विड फंड और आदित्य लिक्विड फंड यहाँ पे बहुत सारा डेटा था और बहुत सारा डेटा मैं कंपेयर किया हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सब डेटा अपने खुद के माइंड में रखू और और मन, मन से बोलू ये पॉसिबल नहीं है तो देख देख के बोलना पड़ता है तो यही बात है नेक्स्ट है भाई मेरे पोर्टफोलियो रिव्यू कब होगा आपका हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा रिव्यू शुभजीत ये भी पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा शहन बोल रहे हैं आईसीआई प्रोवेंशियल फंड फ्रोडेंशियल रिटायरमेंट प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसा रहेगा ये काफी अच्छा है रिटायरमेंट फंड है एस डब्ल्यू बी पी के लिए एच डी एफ सी जो एच डी एफ सी का जो यहाँ पे लिखा हुआ है एच डी एफ सी का जो बैलेंट एडवांटेज फंड है उ, उसी के तरह काफी अच्छा फंड है तो ये कंसिडर कर सकता है अगर अगर एस डब्ल्यू पी करना चाहते हैं तो, तो शाह बोल रहे हैं मेरे पास एच डी एफ सी डिफेंस फंड है ये काफी अच्छा फंड है एच डी एफ सी डिफेंस मैं मैं खुद ही सोच रहा था मैं इन्वेस्ट करूँ क्योंकि मेरा पास एच डी एफ सी स्मॉल कैप है मेरे मदर के प्रोफाइल में तो वो बहुत दिन से जब से लिया वो अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि एच डी एफ सी स्वर्ल्ड कप को रिप्लेस करके एच डी एफ सी डिफेंस फंड ले लूँ के लेकिन अभी नहीं करूंगा पर शायद एक छः सात महीने बाद और टाइम दूंगा उसका तो देखते हैं उसका परफॉर्मेंस फिर भी एच डी एफ सी डिफेंस फंड कंसिडर करूंगा आ, तो ये तो एक पोर्टफोलियो रिव्यू है मुकेश जी बोला नाइस ठीक है तो आज का थोड़ा आ, मार्केट देख लेता है निफ्टी एफ्टी फिफ्टी का चार्ट है काफी अच्छा मार्केट आ, रैली दे रहा है देख सकते जीरो पॉइंट निफ्टी का रैली दिया था कल कल के दिन में जीरो पॉइंट अभी मिड कैप का देखिए खतरनाक मिड कैप एकदम जीरो भागा है कल तो कि बहुत ही बड़ी बढ़िया चीज है क्योंकि इन्वेस्टर लाइक मी पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप्स का परसेंटेज ज्यादा रहता है हम लोगों में यहाँ पर स्मॉल कैप भी ठीक ठाक जीरो पॉइंट नाइन सी क्लोज टू वन परसेंट जो कि बेहतरीन चीज है तो थोड़ा पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेते हैं देख सकते हैं स्मॉल कैप जीरो पॉइंट इंक्रीज हुआ 63 थ्री परसेंट एक्सए आ रहा है तो सत्रह सौ अड़सठ रुपए का प्रॉफिट हुआ है कल का टू लाख ट्वेंटी लगा हुआ था फोर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट में चल रहा है इंडिया ग्रोथफंड ट्वेंटी थ्री परसेंट रहा है जीरो पॉइंट सेवन परसेंट इंक्रीज हुआ, है, इंक्रीज हुआ है कल तो वन पॉइंट वन हंड्रेड थर्टी सिक्स का प्रॉफिट हुआ कल वन लाख फिफ्टी एट लगा हुआ था ट्वेल्व थाउजेंड प्लस मेरा प्रॉफिट चल रहा है एजी एफ सी स्मॉल कैप इसी के बारे में बोल रहा था मैं आयदर मैं चेंज करूँ कि नहीं करूँ मैं क्योंकि ये एक मिड कैप है ठीक है मिड कैप से ट्वेंटी फोर परसेंट फिर भी ठीक है लेकिन स्मॉल कैप से थोड़ा ये बुल मार्केट चल रहा है कौन देखिए कितना दे रहा है सिक्सटी थ्री परसेंट दे रहा काफी है एजी एफ सी काफ़ी नीचे है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इसी में सोच रहा था देखता है तो एच डी एफ सी डिफेंस फंड लू या नहीं लूँ छः महीने और, और वेट करूंगा मैं इसका ये अगर रिकवर कर जाए छः महीने में तो रखा रहूँगा तो जीरो पॉइंट फोर फोर परसेंट इंक्रीज हुआ है इसका So, 777 का प्रॉफिट हुआ है काफी अच्छा फोर्टी फोर परसेंट वन पॉइंट थ्री जीरो बहुत ही ज्यादा उठा है कल थर्टीन एटी नाइन का प्रॉफिट हुआ है कल नाइनटी फाइव थाउजेंड लगा हुआ थाउजेंड थ्री हंड्रेड का प्रॉफिट uh, मैं चल रहा हूँ मैं अभी से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, हुआ है एक दिन का और वन लाख थर्टी एट थाउजेंड लगा हुआ था अभी थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स का प्रॉफिट का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइनटी थ्री थाउजेंड टोटल प्रॉफिट हो चुका है मेरा ये शायद लाइफ टाइम हाई है तो एक्सपायर आर देख सकते हैं थर्टी नाइन परसेंट है सेवन लाख एटी फाइव थाउजेंड लगा हुआ था अभी एट लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड वैल्यू है तो अभी पोर्टफोलियो यहाँ पे चलते हैं थोड़ा चार्ट देखते हैं ये देखिए हाँ छह महीने का चार्ट में चलता है तो स्टार्ट हुआ था देखिए ये इसका फर्स्ट डे थर्टीन नवम्बर से स्टार्ट हुआ था तो देख सकते हैं ये अभी पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई पे ही है यहाँ पे इस टाइम पे नी, नीचे आ गया था मार्च को एकदम नीचे आ गया था फिर वहां से हल्का हल्का रिकवर करके ये शायद लाइफ टाइम हाई पे ही है मेरा अभी 93,000 इसके यहाँ पर कितना था हाँ नहीं नहीं लाइफ टाइम है नहीं यार रिटर्न 95,000 हो गया था एक टाइम पे 90 ये 11th मार्च 11th अप्रैल को 95,370 था ऐसे देख सकते हैं आप तो अभी 93,000 है तो 2000 और एक हर करना है इसको तो एक दिन का प्रॉफिट का बात करो यहाँ पे देख सकते हैं 5,334 का वन डे का प्रॉफिट है मेरा तो गाय वीडियो यहीं पर एंड करते हैं पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड डे